दोस्तों आज मैं बना रही हूँ पीठा। ये देखिए दूध का, दूध से सानूंगी दोस्तों। तो पीठा बनाने के लिए बहुत लोग पानी में भी सानते हैं, लेकिन मैं दूध में सानूंगी दोस्तों। मैं दूध वाला पीठा बनाने जा रही हूँ। ये देखिए यहाँ पे दूध है और ये खोया है। इस खोया को पहले मैं गर्म कर दूंगी। दोस्तों अभी पूस का सीजन चल रहा है, इसमें पीठा खाना चाहिए। पीठा खाने का बहुत ही कारण होता है, बताया जाता है कि ये भगवान का प्रिय है, विष्णु भगवान का, इसलिए पीठा खाना चाहिए दोस्तों। तो मैं भी बना रही हूँ, देखिए इस तरह से। ये जानते हैं कब से शुरू होता है पीठा बनाना? जब हम लोगों के यहाँ छठ पूजा होता है तभी से स्टार्ट होता है दोस्तों। इसके पीछे यही है कि जब छठ में जब बनता है प्रसाद में पीठा, तभी से पीठा बनना स्टार्ट होता है दोस्तों। तो ये विष्णु भगवान के लिए बनाया जाता है, तभी से हम लोग वन मंथ खाते हैं। बस वन मंथ के बाद ये नहीं बनता है। अब मैं इसे जा रही हूँ, इस पर थोड़ा मेल्ट करूंगी इसे खोआ को। देखिए दोस्तों ये दूध है, दूध में मैं पहले चीनी डालूंगी। इसे मैं चीनी डालकर इसको थोड़ा ये कर दूंगी दोस्तों, तभी इसमें डालूंगी, क्योंकि आटा मीठा होना चाहिए। इस तरह से आप पहले घोल लीजिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए चीनी पूरी तरह से घुल जाएगा दोस्तों, उसके बाद मैं इस आटे को सानूंगी। ये दोस्तों मैं पीठा का आटा गूंथ ली हूँ, इस तरह से गूंथ लेने के बाद अब मैं इसे भरूंगी दोस्तों। आप लोग भी बनाते होंगे इसी तरह से पीठा, अगर नहीं बनाते हैं तो इस तरह से जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ईजी प्रोसेस है दोस्तों। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही झमेला है, आप बस इसे अच्छे से दूध में सान लीजिए। इससे क्या होता है, दूध में सानने से दोस्तों काफी दिन तक ये पिट्ठा आपका रहेगा, खराब नहीं होगा। बहुत सारा पिट्ठा होता है जिसमें पानी रहता है, उसके कारण वो खराब हो जाता है, लेकिन ये खराब नहीं होगा। देखिए दोस्तों इस तरह से मैं रेडी कर ली हूँ, इसके अंदर मैं खोआ स्टफ कर दी हूँ और यहाँ पे है दोस्तों। इसे मैं वेपर में बनाऊंगी, ये दूध में बनाऊंगी, तो दोनों तरह का मैं तैयार करूंगी दोस्तों। ये फर्स्ट है, सेकेंड वीडियो पॉसिबल होगा वो भी मैं दिखाऊंगी दोस्तों। तो मैं अब इसे दूध में डालूंगी दोस्तों। देखिए इसे मैं भरी हूँ दोस्तों, आप लोग सोचिएगा क्या भरा। यहाँ देखिए ये खोया है, इसमें पोस्तो है, चीनी है, सभी को मिलाकर मैं इस तरह बनाई हूँ। यहाँ देखिए अब मैं इसे दूध में डालूंगी। गाइस देखिए ये दूध है, इसे मैं शुगर डाल रही हूँ। यहाँ देखिए ये चीनी डाल दी हूँ दोस्तों, आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए। ज्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं, कम मीठा खाना पसंद करते हैं, उसी के अनुसार आप डालिए। मैं भी उसी तरह से डाल रही हूँ, ये मैं बना ली हूँ, पहले भी मैं दिखाई हूँ। उसके बाद इसमें इलायची डाली हूँ दोस्तों। अब मैं डालूंगी, जब पूरा दूध खोल जाए तभी डालें दोस्तों, ताकि ये चिपकेगा नहीं नीचे में। अगर पहले डालेंगे तो ये बैठ जाएगा और बहुत ही खराब बनेगा, इसलिए इसमें उबाल आने तक छोड़ देती हूँ, उसके बाद मैं डालूंगी। देखिए दोस्तों मैं डाल रही हूँ, हल्का हल्का आप इसे हिलाते रहे दोस्तों, ताकि ये बैठेगा नहीं। ये देखिए हल्का हल्का हिलाइए, देखिए दोस्तों अब मैं इसे ये देखिए चला रही हूँ, बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों। देखिए एक भी पीठा फटा नहीं है, बिल्कुल एकदम जैसा डाले थे वैसा ही है। अब ये थोड़ा खोलेगा, इसमें उबाल आएगा, सारा पीठा पक जाएगा, थोड़ा गाढ़ा होगा दोस्तों, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। आप रसमलाई खाते हैं लगेगा कि आप रसमलाई खाते हैं खा रहे हैं। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं दोस्तों। और पीठा एंजॉय कीजिए, क्योंकि दो चार दिन बाद आपका ये पूर्णिमा आएगा, उसके बाद पीठा का दिन खत्म हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों मेरा खोल चुका है ये, और थोड़ा खोलेगा, ये थोड़ा गाढ़ा होगा दोस्तों, उसके बाद मैं इसे उतार दूंगी। तो आप लोग भी बनाइए। बाय बाय।